उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के बेटे सोमेशपति त्रिपाठी ने भी बीजेपी का दामन थामने के बाद न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, सुनिए। ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। आज हमारे साथ पूर्व सीएम के पौत्र सोमेशपति त्रिपाठी जी हैं। सर, पहला प्रतिक्रिया बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, कांग्रेस से आप आते हैं, उसके बाद अब बीजेपी के साथ हैं, ऐन मौके पे कैसे आपका मन बदला? ये ऐन मौका नहीं कहूँगा मैं, ये कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव का समय है, लेकिन इस पर एक बहुत लंबा विचार था, आज का नहीं है, इसको बहुत समय से मैं इस पर विचार करता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो ये कोई इम्पल्सिव नेचर का डिसीजन नहीं है कि आज सोचा कल कर लूँ ऐसा। कांग्रेस में क्योंकि देखा गया है लगातार कांग्रेस की स्थिति देखे, नेतृत्व विहीन होती जा रही है, अगर देखें शीर्ष नेतृत्व भी अब उत्तर प्रदेश की तरफ उतना रुझान नहीं रहा, तो शायद ये कारण मान सकते हैं कि आप एकदम से उत्तर प्रदेश की अनदेखी, शायद आप लोग क्योंकि पुराने कांग्रेसी रहे हैं, आपके दादाजी भी मुख्यमंत्री रहे, तो क्या एक निगेटिविटी उधर से आई है तो आपको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए? पूरी तरह से नहीं इसको मैं मानूंगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जहाँ तक कांग्रेस का अगर हम राज्य में हम बात करते हैं, अगर स्टेट लेवल पे बात करते हैं, तो स्टेट लेवल पे तो कांग्रेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है 20 वर्षों से। इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है जो हमारा नेशनल इम्पैक्ट है कांग्रेस का। नेतृत्व विहीन क्यों हुई, सवाल ये उठता है कि कोई पार्टी अपने नेतृत्व जो लीडरशिप है उसका परकुलेटिंग इफेक्ट होता है नीचे वर्कर तक। आज मैं अगर भाजपा में हूँ तो क्या मैं कि ये सोच के आया हूँ कि मुझे कल को चुनाव लड़ना है या कोई पद लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये परकुलेटिंग इफेक्ट है, मैं अपने लीडर से अपनी ताकत खींच रहा हूँ। मेरे लीडर कौन हैं, तो प्रधानमंत्री हैं मोदी हैं, उनकी नीतियाँ हैं, योगी जी हैं यहाँ, तो हम वर्कर होने के नाते अब हम अपनी ताकत कहाँ से लेते हैं, हम अपनी ताकत लेते हैं अपने नेता से। विजिलेंस अमित साहनी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।